हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अनादर चैप्टर व्हिच इज केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका डीपीपी नंबर 25 टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज, इफ वन मोल ऑफ I2 इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ 1 लीटर फ्लास्क एट 1000 केल्विन एट इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन Kc इज गिवन 10 to the power -6, which one of the options is correct? तो हमें क्या बोल रहा है कि एक मोल I2 को इंट्रोड्यूस करा है एक 1 लीटर के फ्लास्क में और टेम्परेचर दे रखा है और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी गिवन है। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं कि इनमें से I2 इक्विलिब्रियम पे ज्यादा होगा या I माइनस ग्रेटर होगा या दोनों बराबर होंगे या फिर कितने टाइम्स होंगे। ओके, सो द रिएक्शन सेज कि I2 चेंजेस इनटू I माइनस, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, फॉरवर्ड भी जा रही होगी रिएक्शन, बैकवर्ड भी आ रही होगी सेम स्पीड से, दैट इज व्हाई इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 10 की पावर -6। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं इस रिएक्शन का? जो भी I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी एट इक्विलिब्रियम अपॉन में जो I2 की कॉन्सेंट्रेशन होगी एट इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज व्हाट? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर व्हाट? स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट्स। तो इसमें आई माइनस के ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर, क्योंकि जो भी स्टोइकोमेट्री होगी वो कहाँ पे आ जाएगी? पावर में। सो यही हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये केसी की वैल्यू कितनी दी है? एक्सक्यूज मी, 10 की पावर -6। अब देखो केसी 10 की पावर -6 है, इसका मतलब केसी बहुत कम है। अब केसी अगर कम है तो वो कैसे कम होगा? ऑब्वियसली बात है ना, अगर केसी कम आ रहा है इसका मतलब डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा रहा होगा। 10 की पावर -6 है, इसका मतलब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है, या फिर बोल सकते हैं कि रिएक्टेंस इस टाइम पे बहुत ज्यादा है रिएक्शन में, जबी तो केसी इतना कम आ रहा है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा होता तो केसी की वैल्यू वुड हैव बीन हायर, बट 10 की पावर -6 से क्या पता चल रहा है कि इस टाइम पे I2 जो है, यानी जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, वो किससे प्रीडोमिनेट कर रहा है? रिएक्टेंट से, इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्ट। इसीलिए तो केसी की वैल्यू इतनी कम है। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन में डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है तभी तो वैल्यू कम आएगी। तो यानी यहां से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि इक्विलिब्रियम पे I2 की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी किसके कंपेरिजन में? I माइनस से। ठीक है, अब एक तो ये तरीका हो गया कि हम इसको ऐसे देख सकते हैं, और चाहे तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने का कैसे? हम वापस से यही रिएक्शन लिखते हैं, I2 जा रहा है हमारे पास I माइनस में। ठीक है, लेट अस अज्यूम, अज्यूम क्या है, बोल रखा है इनिशियली हमारे पास I2 कितना है इक्विलिब्रियम पे आने से पहले 1 मोल। तो यानी इनिशियली टाइम जीरो पे, यानी इनिशियली कंडीशन में ये 1 मोल है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन भी 1 होगी क्योंकि वॉल्यूम भी 1 लीटर दे रखी है। ये तो नहीं है हमारे पास, तो 0 है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ होगा? इसमें से कुछ कम हुआ, लेट अस से एक्स अमाउंट कम हुआ, तो यहाँ क्या होगा? 1 से 2 मोल बन रहे हैं, तो एक्स से 2x बना है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 - x and 2x, ये इक्विलिब्रियम पे है, और इक्विलिब्रियम पे जो केसी है वो दे रखा है 10 की पावर -6, वो किसके इक्वल होगा? 2x का स्क्वायर अपॉन में 1 - x। तो हमारे पास क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 4x² is equals to 10 की पावर -6 - 10 to the power -6 x। अब फर्दर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम x को निकाल सकते हैं। अब वहां से जब हम x सॉल्व करेंगे तो वहां से पता चलेगा क्या कि I2 ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू I माइनस। ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, और अदरवाइज हम इसको केसी की वैल्यू से भी बता सकते हैं। हम इसको केसी की वैल्यू से बता सकते हैं कि केसी इतना कम है, इसका मतलब उस टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट। सो बेसिकली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, इसका मतलब I2 ग्रेटर होगा I माइनस से इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको जब आंसर आएगा अपने आप ही दिख जाएगा कि I2 की कॉन्सेंट्रेशन I माइनस से क्या होगी, ज्यादा।